हेलो ऑल ऑफ यू. ओके, इन लास्ट लेक्चर में हमने 2018 एंड 2017 के ईयर क्वेश्चन को डिस्कस किया था. ओके, एंड आई होप आपको उन क्वेश्चन वो क्वेश्चन समझ में आए होंगे. एंड आज के लेक्चर में हम 2016 में आए हुए क्वेश्चन को देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन चैप्टर नंबर फर्स्ट से हमें हमारे पूछे गए. ठीक है, तो देखिए बेटा, स्टडी करने का एक आपको एक सिंपली एक रूल आप ध्यान रखेंगे अपने माइंड पे. स्टडी करने का एक मेन जो आपका होना चाहिए, यानी कि एक मेन एम होना चाहिए कि आप नॉलेज को गेन करो. आप रटो मत कि हमने आज ये रटा, क्योंकि देखो जो आप रटोगे वो आज तक ही सीमित रहेगा आपके माइंड पे. ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने चीज़ों को समझना है, फैक्ट को समझना है, तभी आप क्या कर पाएंगे, स्टडी में आगे बढ़ पाएंगे. और पढ़ने का बेस्ट तरीका यही है कि पहले आप, जैसे आप चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले चैप्टर नंबर फर्स्ट को आप कंप्लीट उसको देखो, उसके बाद उसके 10 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे जाइए. अगर आपको लगता है कि हाँ ये क्वेश्चन क्या है, कि हमने जो लेक्चर पढ़ा है, आपने जो पढ़ा है, वो उसमें से क्वेश्चंस हैं या नहीं है, ठीक है, तो इससे आपके क्या होती है कि जैसे फर्स्ट चैप्टर में कमांड हो जाती है. ठीक है, तो इन बातों को ध्यान से आपने अपने माइंड पे बैठाना है और ऐसे पढ़ना है कि आप नॉलेजेबल बनो. ठीक है, आप फैक्ट को लर्न मत करो, फैक्ट को समझो कि क्या बोला जा रहा है उसमें और ये कहाँ तक रियलिटी है, क्योंकि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है. कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हो वो एटमॉस्फेयर में है आपके, और आप देखते हैं उन्हें अपने आँखों से. ओके, तो अब देखेंगे हम 2016 में आए हुए क्वेश्चन क्या हैं. 2016 में देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला गया है डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. तो इस पे आप क्या करेंगे, हमेशा याद रखना जो भी डिफरेंस क्वेश्चन आते हैं उसमें आप उसको पार्टीशन करके करके आना. सिंपली आप डेफिनेशन मत कर दीजिएगा, जैसे पार्टीशन करा, एक सेट डालिए ऑक्सीडेशन, एक सेट डालिए रिडक्शन. ओके, अब यहाँ पर क्या है कि फर्स्ट पॉइंट आपका क्या हो सकता है कि आपने जो डेफिनेशन पढ़ी है, डेफिनेशन को आप क्या है बता सकते हैं अपने उस डिफरेंस में. ओके, सेकंड आप डिफरेंस क्या दे सकते हैं इसमें, एग्जांपल. ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली आपकी एक नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ है आपका, डिफाइन कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन, संयोजन और वियोजन अभिक्रिया को आपने समझाना है. तो जितने भी अभी तक आपने क्वेश्चंस देखे हैं वो सारे के सारे हमारे क्या हैं, लेक्चर में डिस्कस हैं. ओके, तो देख लेते हैं इस वाले क्वेश्चन को भी, क्या है आपको, कॉम्बिनेशन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन. तो ये भी हम लेक्चर में पढ़ चुके थे कि जो कॉम्बिनेशन होता है उसमें टू और मोर जो रिएक्टेंट होते हैं वो आपस में रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं. एंड वियोजन में हमने पढ़ा था कि वन रिएक्टेंट, एक सिंगल रिएक्टेंट आपका रिएक्ट करके टू और मोर प्रोडक्ट बनाता है. क्लियर है? तो सिंपली मैंने इसको एक ट्रिक बताई थी कि जब आपको दो एलिमेंट एक बनाते हुए दिखी तो वो कॉम्बिनेशन है, और जब एक सिंगल एलिमेंट टू एंड मोर आपके एलिमेंट या मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो रहा है या फैक्टराइट हो रहा है तो वो हमारी क्या होगी, डिकम्पोज रिएक्शन. ठीक है, तो इसको आप बता सकते हैं. ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, इसमें तीन क्वेश्चन आए हुए हैं. थर्ड क्वेश्चन आपसे कोरिजन के बारे में पूछा गया है, तो कोरिजन के बारे में भी हमने डिस्कस करा था. ठीक है, कोरिजन के बारे में क्या डिस्कस किया था हमने, कि जो आपकी कोई भी आपकी मेटल है अगर वो हम एटमोसफेयर पे खुला छोड़ दें तो वो नमी, जल, वायु, इन सब के आपके इफेक्ट में आकर ऑक्सीडाइज हो जाता है, और ऑक्सीडाइज होने के कारण वो क्या कर देता है, अपने कलर को चेंज कर देता है. इसमें हमने एक बेस्ट एग्जांपल पढ़ा था, रस्टिंग ऑफ आयरन, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3. XS2. ओके, तो देख लेते हैं
देखिए कॉरिजन आप लेक्चर में पढ़ चुके हैं. कॉरिजन क्या होता है? इट इज़ द स्लो ईटिंग अप ऑफ द मेटल बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देयर सरफेस. ड्यूरिंग कॉरिजन द प्योर मेटल चेंज टू इट्स ओरिजिन फॉर्म. तो आपका क्या है कि कोई भी क्रियाशील धातु है वो आपकी वायु या जल के संपर्क में आकर आपकी क्या हो रही, कलर को चेंज कर दे रही है या उसमें रस्टिंग होना स्टार्ट हो जा रहा है. ओके एंड आपसे एक नंबर में फॉर्मूला भी पूछता है एग्जाम में कि रस्टिंग ऑफ आयरन यानी कि लोहे में जंग का सूत्र क्या है. तो क्या है? Fe2O3.xH2O वेयर x इज द नंबर्स ऑफ वाटर. नंबर्स ऑफ वाटर. ओके एंड आई होप आपको 2016 के ईयर क्वेश्चन समझ में आए होंगे. एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम 2015 एंड 2014 के ईयर क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे. तब तक के लिए बाय बाय.